विराट 24 न्यूज की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा जिले से है, जहां नए वर्ष 2023 की शुरुआत शांति एवं सद्भावना महोत्सव से हुई। कार्यक्रम के आयोजन में महापौर अजय मिश्रा बाबा के साथ सेनानी प्रशासनिक अधिकारी और शहर के बुद्धिजीवी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत के पहले दिन हमें सफाई और सद्भावना का संकल्प लेना है। वहीं महामृत्युंजय से प्रार्थना करना है कि हमारे जिले, प्रदेश, देश में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ना हम किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। वहीं सैनिकों, समाज सेवियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए दिखाते हैं आपको शांति सद्भावना महोत्सव का कार्यक्रम और सुनाते हैं नए वर्ष की शुरुआत के लिए लोगों ने क्या अपील की है। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्य एवं समाज के सज्जनों को भी अपने इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सच्चा सेवक बन सकूं। समझा कि 1 जनवरी को किसी भी प्रदेश के, जिले के अंदर शांति और सद्भाव का कोई महोत्सव होता होगा, ये पहली बार सुना और आज मैं देख भी रहा कि रीवा ने अपनी उस सनातन संस्कृति को, अपनी परंपरा को कायम रखा है, क्योंकि जहां शांति और सद्भाव होता है वहीं उन्नति और विकास भी होता है। एक मानवता की नई मिसाल कायम होती है, एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्र रेखाओं से अंकित कोई वो चित्र नहीं होता है, राष्ट्र होता है कि उसमें नए पुष्पित मानवता की वो महक, जो तरह तरह के हमारे खिलते हुए पुष्प एक मानव के रूप में एक साथ मिलकर के अपने उस जगह को, जहान को, राष्ट्र को सुशोभित करते हैं और इस राष्ट्र की महक को पूरी दुनिया में लेकर के जाते हैं, तभी तो हमारे राष्ट्र पूरे विश्व से अलग है। ये हिंदुस्तान ही ऐसा है कि जहां पर पारिवारिक सनातन संस्कृति है, किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं, और इसी पारिवारिक सनातन संस्कृति के तहत हमारा आपस में लगाव होता है, अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है, लगाव होता है, तभी तो वो लोग अपनेपन के लिए अपने आप को उसके लिए मिटा देते हैं। दूसरे देशों के अंदर 18 साल का बच्चा हुआ उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बुजुर्ग होते हैं तो उनको वृद्धावस्था आश्रम के अंदर व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर एक दूसरे के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ यहाँ रिश्ते नाते हैं, ऐसी संस्कृति है, उसी से तो एक गूढ़ता, एक प्रेम, एक लगाव पैदा होता है। तो जिस तरह से आज रीवा शांति और सद्भाव का महोत्सव मना रहा है, उन्होंने उसी सोच के साथ शांति और सद्भाव के लिए दोनों मुल्कों के साथ वार्तालाप शुरू किए, उसी के तहत सद्भावना एक्सप्रेस शुरू की गई, लाहौर बस यात्राएं हुई, पॉलिटिकल स्तर के ऊपर दोनों मुल्क मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने लगे। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण हो और मानवता का विकास हो। उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तोरतुक ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर सर्दियों में -50, -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब मानव जीवन का जीवित रहना असंभव होता, वहां दोनों देशों की एक कानून पारित थे कि सर्दियों में वहां पर फौजें नहीं रहेंगी, अपने नीचे बेस कैंप बनाएंगे।
हमारी फौज क्योंकि एक अनुशासन प्रिय फौज, हम अपने नीचे बेस कैंप में थे लेकिन वो बेस कैंप में नहीं गए, उन्होंने हमारे तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया और सर्दियों के 4-5 महीने के उस ड्यूरेशन के दौरान इतनी भारी तादाद में मैन पावर वहां पर राशन अमलेशन इकट्ठा कर लिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंघनी और शेर पैदा होते हैं, यानी हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने -20 डिग्री टेम्परेचर में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर उस समय कश्मीर वैली के अंदर ही थी, हमें सबसे पहले टाइट टोलोलिंग टॉप को फतेह करने के लिए द्रास सेक्टर में भेजा गया। उस टोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, 22 दिन, और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में हमने वो टॉप पुनः प्राप्त किया। उसके बाद टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम। उस पहाड़ी को फतेह करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसको फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं, और अगर हम एज ए सिविलियन समझ सकते हैं तो जो कमांडो टीम होती, जिसमें नए और पुराने जवानों का, विशेष जवानों का उसमें शामिल किया जाता है, विशेष ट्रेनिंग, विशेष हथियारों से, क्योंकि विशेष काम के लिए ही उस टीम का गठन होता है। जब उसमें जवानों का चयन शुरू हुआ तो मैं नौजवान साथियों आपको फिर बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से, उसके कार्य से। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के कोई पैदा नहीं हुआ, मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान, नहीं कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। उस समय तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि 18 कैनेडियन ब्राव कंपनी नंबर 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान है, इससे ज्यादा और कोई पहचान नहीं। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अमनेशन पहुंचाना, 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको घातक प्लेटून एज ए कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। तो मेरे नौजवान साथियों, कर्म कोई छोटा नहीं होता, कार्य कोई छोटा नहीं होता, कार्य के महत्व को समझे, वही कार्य आपको बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है। क्योंकि बहुत बहुत शुभकामनाएं रीवा के समस्त जन 2023 में बहुत अच्छे से इस रीवा को फलीभूत करें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें और सुंदर रीवा बनाने में सहयोग करें, भाईचारा की भावना हो, सद्भावना की भावना हो, और कोई भी अप्रिय न सोचे ना अप्रिय घटनाएं हो, ऐसे बाबा महामृत्युंजय भगवान से हम लोग कामना करें। शहर के विकास के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा? 1 नंबर का रहेगा, शहर को 1 नंबर बनाना है, स्वच्छता में भी, सुंदरता में भी, व्यवस्था में भी। उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे, सभी का सहयोग हमको आवश्यक है।
बिल्कुल सद्भावना दिवस के ऊपर ये रीवा की धरती पर शांति और सद्भाव का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, तो नौजवान शिक्षा में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर शांति और सद्भाव होता है, यहाँ पर सर्व समाज एक साथ मिलकर एक जुट करके काम करता है, क्योंकि राष्ट्र वो समाज बहुत उन्नत और विकास करता है और मानवता आगे बढ़ता है।